नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप भी इंस्टाग्राम के यूजर हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम पे जो आपका अकाउंट है वो आपका अकाउंट टाइप पर्सनल है या फिर आपका बिजनेस है, आपको मालूम नहीं है तो कैसे आप अपने अकाउंट टाइप को मालूम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपका अकाउंट पर्सनल है तो उसको आप बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आपका अकाउंट टाइप बिजनेस है तो उसे पर्सनल में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको ए टू जेड प्रोसेस बताने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना है। वीडियो के एट लास्ट तक आप भी सीख जाओगे कि अपने अकाउंट को कैसे बिजनेस से पर्सनल में कन्वर्ट करना है या फिर पर्सनल से कैसे बिजनेस में आपको कन्वर्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फोन को होम स्क्रीन पर आ जाना है। फोन को होम स्क्रीन पर आने के बाद सिंपली आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है। जैसे आप अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे नीचे में देखने को मिलता है। सिंपली प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको आपका प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको यहाँ पे आने के बाद जैसे कि यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। तो यानी यहाँ पे जो आपका अकाउंट है अभी पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद से सिंपली आपको यहाँ पे 3 डॉट जो दिखने को मिल रहा है, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, सिंपली आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन नीचे मिलता है अकाउंट का, तो सिंपली जो अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही अकाउंट वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे में आना है। नीचे में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जा रहा होगा, जैसे कि स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट और एड ए न्यू प्रोफेशनल अकाउंट, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो सिंपली जैसे ही आप स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको जैसे कि आपका अकाउंट जो होगा वो प्रोफेशनल मोड में यहाँ पे स्विच करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर डाउन पे क्लिक करेंगे, डाउन पे क्लिक करके यहाँ से जो आपका अकाउंट है वो यहाँ से जैसे कि आप चूज कर सकते हैं कि बिजनेस या फिर क्रिएटर। तो यहाँ से आप बिजनेस या क्रिएटर कुछ भी चूज करेंगे तो यहाँ पर जो आपका अकाउंट होगा वो यहाँ पे बिजनेस टाइप में यहाँ पे सेलेक्ट हो जाए। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर बिजनेस टाइप रहेगा आपका अकाउंट, तो यहाँ पे जैसे कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ पे आपके अकाउंट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अगर आपका पर्सनल में होगा तो ये डैशबोर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं 3 डॉट पर क्लिक करके, सेटिंग में क्लिक करके यहाँ पे आप अकाउंट्स पे आएंगे, तो नीचे में आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट टाइप्स का। तो अकाउंट टाइप पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहा होगा, स्विच टू बिजनेस अकाउंट और स्विच टू पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ से आप जैसे कि आपका अकाउंट जो है वो बिजनेस है ऑलरेडी पहले से, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आप जैसे ही बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्विच टू बिजनेस पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका अकाउंट ऑलरेडी पहले से ही बिजनेस टाइप में स्विच है। यहाँ से आकर आप देख सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सेम वही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो आपका अकाउंट है पहले से ही बिजनेस में यहाँ पे स्विच है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने अकाउंट को मालूम कर सकते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो बिजनेस टाइप में है या फिर पर्सनल टाइप में, या फिर उसको बिजनेस टाइप में स्विच करना चाहते हैं या फिर पर्सनल टाइप में। यहाँ से आकर आप इजीली अपने अकाउंट को स्विच कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी। वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया विजिट करना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।